Assalamualaikum viewers, today we have very special guest. आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है. जैसा कि आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान में एजुकेशनल चैनल्स की बहुत ज्यादा कमी है और हमें अपने जो खासकर FSC BSc वाले लोगों को ज्यादातर जो चैनल देखने पड़ते हैं वो इंडियन है. जैसे कि थोड़ा सा उनका हमारा सिलेबस भी डिफरेंट है, मगर हमारे लोगों को फार्मोलाज के लिए वो चैनल देखने पड़ते हैं. आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे चैनल का इब्तिदा वो होने जा रहा है जो कि इंडियन चैनल की छुट्टी करा देगा इंशाल्लाह. तो जो चैनल बनाने जा रहे हैं वो है हमारे साथ सर मोहम्मद अहमद. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको टाइम दिया. तो आप हमें ये व्यूअर्स को चैनल के बारे में कुछ बताएंगे, ये किस किस्म का चैनल आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, ये इजी एजुकेशन के नाम से चैनल स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह. तो इसमें जो है वो स्पेशली मैथ के बारे में और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होते हैं मैथमेटिक्स में आते हैं, मैथ के बारे में ज़्यादा चीज़ें होंगी. फिफ्थ क्लास से लेकर BSc तक की मैथ के बारे में इंशाल्लाह इसमें बच्चों को गाइड करेंगे. और इसके अलावा ये तो आप चैप्टर वाइज आप क्या रहेगा, आप माशाल्लाह बड़े एक नए तरीके से आप चीज़ लेके आ रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो. मतलब इसके अलावा BSc FSC मैटर वो इसी चीज़ों के अलावा आप क्या क्या बताएंगे चैनल के ऊपर? इसमें मैथ के बारे में हम ज़्यादा बताएंगे, फिजिक्स के बारे में भी इंशाल्लाह बच्चों को गाइड करेंगे कि उसमें न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे और केमिस्ट्री के बारे में और ख़ास तौर पे जो है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो हम बच्चों से शेयर किया करेंगे. असाइनमेंट्स के बारे में, उनकी लास्ट डेट क्या होती है, एडमिशन कब जाते हैं, इनके जो सेमेस्टर होते हैं साइन वगैरह कैसे जमा करानी होती है, कैसे करनी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. तो इस परेशानी का हल आपको इस चैनल के ऊपर ये मिलेगा. तो सर हमारे व्यूवर्स को ज़रा से अपने अचीवमेंट बताएं कि आप मैट्रिक के बाद से कैसे कैसे आपने यहाँ तक पहुँचे. मैट्रिक के बाद मैंने जब FSC स्टार्ट की तो मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से मशवरा लिया क्या मुझे FSC करनी चाहिए, तो हर बंदे ने मुझे यही कहा कि आपसे FSC नहीं होगी. हर बंदे ने डिसाइड किया, लेकिन मैं चुप करके उनकी बात सुन लेता था और दिल ही दिल में सोचता था कि FSC तो अब मैं इनको करके दिखाऊँगा. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया. फर्स्ट डिवीजन आपकी मैट्रिक से? जी फर्स्ट डिवीजन मैं बल्कि 3 क्लास से लेकर 2nd ईयर तक मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर रहा हूं अपनी क्लास में. उसके बाद फर्स्ट आपकी डिवीजन है? जी डिवीजन तो मेरी टोटली फर्स्ट. तो क्योंकि इनको पढ़ा, इसके अलावा आपकी अचीवमेंट जो है एजुकेशन का, आपने एक अकेडमी बनाई. जी जी BSc के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था. BSc के बाद मैंने अलफरीद स्कूल में पढ़ाया बागपतर में, वहाँ पे मेरे जो वो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बागपतर में 2nd पोजीशन ली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में. तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अदारों में पाकपतन के जो वेल रिप्यूटेड अदारे हैं उनमें मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश मीडियम भी उर्दू मीडियम भी, और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए. इसके अलावा आपने इंडिपेंडेंस एकेडमी भी आपने? जी जी बिल्कुल, वो एकेडमी भी बनाई थी, उसमें भी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सेटिस्फाई होते. इसके अलावा मेल एंड फीमेल जितने भी उनके स्टूडेंट हैं उनको याद करते हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी याद करेंगे जब ये चैनल ये होगा. जल्द इंशाल्लाह कमिंग सून है, बहुत जल्द हम इसके ऊपर वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे सर. और मैं आपका लिंक ये मेरे चैनल पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा अगर आपको एजुकेशन कोई भी प्रॉब्लम है. क्योंकि मैंने देखा एक तो करियर का बड़ा प्रॉब्लम, लोगों को पता नहीं चलता मैटर के बाद हम किस तरफ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं. मैसेज को वो करके कमेंट्स में जाकर कोई सवाल पूछना आपने पूछ सकते हैं इनसे, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा और आपको बेहतर रहा. क्योंकि ये खिदमत खलक के लिए बनाया गया है, ज़्यादा माशा से कोई अच्छी सैलरी है और ये ट्यूशन भी पढ़ाएं तो ये मैक्सिमम 60-70,000 मिनिमम है इनके लिए, बहुत ज़्यादा थोड़ा इतना तो ये आराम से यार कर लेते हैं. तो ये कोई यारों के लिए नहीं है, ये ऑल अबाउट के पाकिस्तान में एजुकेशन चैनल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वाबस्ता है उनके क्वालिटी चैनल नहीं है. कुछ हैं भी तो वो मैट्रिक करके लोग बैठे हुए हैं, वो इस तरह के लोग हमें इसलिए आगे जाके दूसरे मुल्कों के चैनल देखने पड़ वो पढ़ते हैं. तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक ऐसा चैनल करने जा रहा है जो आपकी तमाम एजुकेशनल वो चीज़ों का जो आप वो वहाँ पे आपको मिल जाए आपको करेगा. और ये चैप्टर वाइज आपको मैट्रिक की मैथ इस तरह की उनकी चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट में सारे आपको मिल जाया करेंगे. तो आप लोगों की पढ़ाई के लिए बनाया गया, तो आप लोगों को स्पोर्ट वो करना है, CSS की तैयारी जिस किस्म की भी आप लोगों को बताएंगे कुछ, इसके अलावा भी कोई कुछ अगर मतलब मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम उनको आते हैं फेस करना पड़ता है उसके बारे में, CSS में जो मैथ का सिलेक्टिव पोर्शन होता है, PMS का, वो भी इंशाल्लाह उसके बारे में भी बच्चों को गाइड करेंगे. सो वी होप कि आप सब लोग हमें सपोर्ट वो करेंगे, सर को सपोर्ट वो करेंगे, अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी सपोर्ट है और ये आप लोगों के लिए ही बहुत बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह. 6-8 माह के अंदर ये चैनल हमारा मतलब एक नामवर चैनल होगा और ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना नहीं बनेगा. और अगर आप इस चैनल को नामवर बनाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए और आप लोगों के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स वगैरह की कमजोरी है, जिनमें किसी किस्म की भी वीकनेस है, वो इस चैनल बार बार फायदा ये है कि इस चैनल पर वीडियो पढ़ी होगी आप उसको उस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं. ऐसे लेक्चर कि आप लोग जानते हो कि किसी यूनिवर्सिटी में जाकर ये मैथ वगैरह जो देखे आते हैं लाहौर की पढ़ी मैंने भी देखे हैं,
में अच्छे खासे आप जब सुनने भी जाएंगे तो काफ़ी पैसे लगते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगेगा, इंटरनेट पैकेज आपका वैसे होता है। तो अगर आप इनका पूरा लेक्चर सुनेंगे मैथ पे या इंग्लिश पे, किसी भी आपको कमजोरी है, आप स्पेशल भी इनसे कोई लेक्चर आपके वीडियो का बनवा सकते हैं। अगर ज़्यादा 10-15 या 50 लोग भी अगर उनको मसला हो तो इंशाल्लाह उनके लिए लेक्चर बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, आप समझो कि यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है यूट्यूब के ऊपर। सर आपके लास्ट अल्फाज क्या है मैसेज पाकिस्तानी? बस यही है कि इंशाल्लाह मैथ में हम आपको काफ़ी टिप्स देंगे कि कैसे आप अपने मैथ को अच्छा कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे, मैंने काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए जो पहले से हारे हुए थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया होता कि हम मैथ्स हमें आ ही नहीं सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको मैथ करवाई और वो जाने से पहले इस बात को तस्लीम कर गए कि वाकई हमें मैथ अब आने लगे। तो व्यूअर इनकी अगर तो पूरी ज़िंदगी पे बनाने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ ये कहाँ से निकली, कहाँ तक वो पहुँचे हैं। अब इंशाल्लाह यहाँ पे इनके स्कोप नहीं, यहाँ पे अभी सीएसएस के पेपर देंगे और आगे जाएंगे, और इंशाल्लाह जल्द आप इनको देखेंगे कि एक डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी होंगे इनको। अभी आप लोग जब इनके चैनल के ऊपर सपोर्ट वो करेंगे, आप इनका साथ देंगे, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों की भी भलाई होगी। ना सिर्फ मैथ का सारा जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंडियन चैनल मैथ से ही वो हमारे मुल्क में छाए हुए हैं, तो मैथ ज़्यादा वीकनेस है। इंग्लिश और मैथ खासकर बीए की एफए में आगे इंग्लिश में लोग फंस जाते हैं, वहाँ पे आपको गेस्ट मिलेंगे, गेस्ट पेपर मिलेंगे, जब आपके पेपर होंगे तब आप इसको इस चैनल को देखेंगे तो वहाँ पे आपके पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह बताए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ये इंसान है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा है, आप लोगों ने इसका साथ वो देना, जब तक आप लोग इसका साथ देते रहेंगे, इसको मोटिवेट आपको वो करते रहेंगे, तो इनके आप लोगों के लिए वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहेगा। और ये आपके लिए पाकिस्तान का पहला एजुकेशनल जो मोटिवेशन चैनल है, ये मोटिवेशन चैनल तो बहुत होते हैं, ये एजुकेशन के लिहाज से जो मोटिवेशन चैनल होगा, जो ऐसे लोग जो तलीम छोड़ देते हैं या खौफ किसी पढ़ाने का लोगों को तरीका नहीं आता तो वो तंग आ जाते हैं वो जो स्टूडेंट होते हैं, तो ये आप लोगों को मोटिवेशन देगा ये चैनल, जो ईजी एजुकेशन नाम ही ऐसा रखा गया है कि आसान तरीके से हम आपको तलीम देंगे और आपके मतलब की कितने यहाँ से मिलेंगे और असर आपको देंगे। तो ये आप लोगों को फर्ज है कि जो चीज़ आपकी भलाई है आप उसके अगर उसके साथ सही चलेंगे तो ये आप लोगों का फायदा है, मुल्क का फायदा है और हम सबका फायदा है। सर लास्ट वर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू।